राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी में उथल पुथल, आखिर क्यों दे रहे हैं बसपा के पदाधिकारी सामयिक रूप से इस्तीफा। जी हां दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं द थिंग। राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि राजस्थान के जयपुर में बहुजन समाज पार्टी के संपूर्ण जिला कमेटी ने सामयिक रूप से इस्तीफा दिया है। राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा इनसे नाराजगी जताते हुए जयपुर जिला कमेटी ने बहुजन समाज पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया है। ये जिला कमेटी का आखिर क्या कहना है, ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो आप देखिए, फिर इसके पूरे मामले के ऊपर में आगे हम चर्चा करते हैं। मैं जयपुर जिला अध्यक्ष रूप नारायण जाटुलिया आज ये घोषणा करता हूँ कि आज दिनांक 11 सितंबर को बहुजन समाज पार्टी, हम जिले की कार्यकारिणी, समस्त कार्यकारिणी, हम बहुजन समाज पार्टी के अपने अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे जो सीनियर पदाधिकारी, पिछले दो महीनों से हमारे सीनियर पदाधिकारियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ है। उनको बिना किसी कारण से पार्टी से हटाया गया है और गलत इल्जाम लगाकर उनको हटाया गया है, जबकि वो ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे। तो इससे ये प्रतीत होता है कि हम जो ऊपर भगवान सिंह, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भगवान सिंह बाबा जी, वो तानाशाही रूप से कार्यकर्ताओं के साथ बर्ताव कर रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, बहुजन समाज पार्टी के जयपुर की जो जिला कमेटी ने इस्तीफा दिया है, इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा इन पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष पार्टी में अपनी तानाशाही चला रहे हैं और बिना किसी ठोस कारण से कई जिला प्रभारियों को उन्होंने पार्टी से निष्कासित किया है। और साथ ही उनका यह भी कहना है कि हमें बहुजन समाज पार्टी से और बहन मायावती से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष है भगवान सिंह बाबा, इनके बदसलूके से हमें नाराजगी है। बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा देते उनका यह भी कहना है कि हमने जो निर्णय लिया है, जो इस्तीफा दिया है, इस पर बहन मायावती जी जल्दी से जल्दी एक संज्ञान ले और इस पूरे मामले को लेकर कोई ठोस कदम उठाए। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में बहुजन समाज पार्टी के जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष है भगवान सिंह बाबा, इन्होंने तमाम जिला प्रभारियों को निष्कासित किया था। कौन कौन से जिले हैं जिन प्रभारियों को निष्कासित किया गया है, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उन जिलों के नाम तो ये देख लीजिए, भरतपुर, करौली, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, अलवर, नागौर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बाड़मेर। और इन तमाम जिलों से जिला प्रभारियों का निष्कासन किया गया है बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा इनके माध्यम से। और जो जयपुर की जिला कमेटी है जिन्होंने इस्तीफा दिया, उनका ये आरोप है कि इन तमाम पदाधिकारियों को, जो जिला प्रभारी है, इन जिला प्रभारियों को निकालने का कोई ठोस कारण नहीं है। अभी देखने वाली दिलचस्पी की बात यह है कि बहन मायावती जी इस पूरे मामले को लेकर क्या संज्ञान लेती है और उनका क्या निर्णय होता है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।